पर मुलाकात हो रही थी, जिसे शाम अहमद कुरैशी साहब से उनके काम से नहीं दिखा रही है, वो गलत काम कर रहे थे। पे बैठे हुए थे, उनसे पहले नियाज़ुल्लाह न्याजी साहब ने बात करनी थी, उन्होंने की, फिर शादाब हुसैन जाफरी साहब की बात हुई, सलमान सफदर साहब की, आखिर में मेरी बात हुई। बुनियादी तौर पे क्योंकि आज ट्रायल का दिन था, आज बकायदा को मुलाकात का दिन नहीं था, मुलाकात का दिन कल है। तो खान साहब ने उस हवाले से इंस्ट्रक्शन दी कि कल कौन कौन लोग मुझे मिलने आए, वो उन्होंने डिस्कस किया। साथ साथ उन्होंने क्योंकि साइफर का केस था जो जेर बहस था और बुनियादी अभी चल ही यही रहा है, तो उसके हवाले से उन्होंने स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दी कि पार्टी मेरी इसको मैक्सिमम हाईलाइट करे, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ नहीं है कि हमने कुछ गलत किया है, बाहर की कुव्वतों ने एक इधर एक गलत चीज़ कराई गई, ठीक है, और किसके लिए पैगाम आया गया वो सारी तफसीलात उन्होंने शेयर की। और उन्होंने कहा कि मैं आगे फर्दर थर्सडे को डिटेल ये शेयर करूँगा और इसी मैसेज को आपने बाहर स्प्रेड आउट करना है, और इसी के इर्द गिर्द अहवाल घूमता रहा। बाकी पार्टी के कुछ इंटरनल मैटर्स थे, वो सब्सिडी से उन पर बात हुई। पेरेंट्स के मामले में खान साहब, आज क्योंकि कोर्ट का दिन था तो जाहरी बात है कि अपना जैसा नॉर्मल ड्रेसअप होके आते हैं, अपने ट्रैक सूट उसी तरह से थे, ठीक है। बाकी जो है ना, क्योंकि कल बाकायदा होगी, क्योंकि देखिए ना, खान साहब और हमारे दरमियान एक जाली का गैप था, उसमें बाकायदा इवन बात करना मुश्किल था, वो मतलब बड़े डिफ़िकल्टी से जो है ना बात हो रही थी, और एक सरसरी थी, 5 से 7 मिनट की गुफ्तगू थी, उसमें आप जाहिर बात है कितनी इन्फॉर्मेशन कहते हैं। देखिए बाहिर देखें खान साहब प्रेजेंस उनकी, जिस तरह खान साहब की एक टावरिंग पर्सनैलिटी है, ठीक है ना, खान साहब का आप ये कहें कि जी कमज़ोर या उस तरह कहें, खान साहब की प्रेजेंस होती है, खान साहब जिधर हों पता लगता है कि इमरान खान मौजूद है, ठीक है। बाकी जो उस तरह की डिटेल हैं कि जी किस तरह का खुराक है, क्या है, थर्सडे को कल डिटेल मुलाकात होगी, इंशाल्लाह ताला सारा अहवाल आपसे शेयर करेंगे। खान साहब को डील के लिए कोई अप्रोच किया जा रहा है या इस सवाल? अच्छा, ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग, ये मैंने बात नहीं की, खान साहब ने डायरेक्ट खुद कही कि बाहर जाके क्लियरली कह देना कि हमारी कोई डील नहीं है। मतलब ये मैं पहले भी अटक से बाहर भी खान साहब का पैगाम दिया था कि डील हमारी किससे, हमारी आवाम के साथ डील है, हम तो चाहे 90 दिन में इलेक्शन रहे हैं, उनका ये है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं, बाकी जो आएगा हम कोई रिजल्ट को प्रीएम्प्टी कर सकते हैं ना, आप गेस कर सकते हैं कि आवाम का रुझान हमारे साथ है, वो हमें इलेक्ट करेंगे, ठीक है। आवाम की कोर्ट में जाते हैं, जिसका जो फैसला हो गया उसको काबिले कबूल होगा। और जज साहब का दोबारा कोर्ट में यहाँ पर अदालत लगाना, ये कैसा आप देख रहे हैं, कैसा? अच्छा, बुनियादी तौर पर देखे ना, ये इंटरेस्टिंग है कि सबसे पहले दरख्वास्त हमने दी कि ये जेल ट्रायल नहीं हो सकता, वो जज साहब की फाइल पर आज भी दरख्वास्त पेंडिंग है, ठीक है। उसके बाद सब्सिक्वेंटली ये मामला बेल चली गई हाई कोर्ट तक, और उस दौरान हमने हाई कोर्ट में ही जुरिसडिक्शन इसकी चैलेंज की कि एक तो जेल ट्रायल नहीं हो सकता, दूसरा इन कैमरा प्रोसीडिंग नहीं हो सकती, हालांकि वो एक किस्म का प्रीएम्प्टिव था कि अभी उस वक्त ट्रायल शुरू नहीं हुआ, मगर उस पर कोर्ट्स ने बाकायदा नोटिस करके बहस हो गई और वो रिट अब रिजर्व है, वो शेर अफजल मरवत साहब ने वो रिट फाइल की हुई है, ठीक है, और हम होपफुल हैं उसके नतीजे के बारे में, मगर अभी उसका इन्होंने इंतजार नहीं किया। प्रोसिक्यूशन ने साइमल्टेनियसली क्या किया कि 2 तारीख को जहां बेल की प्रोसीडिंग हो रही थी वहां दरखास्त दे दी कि जज साहब को कहा कि आप बेल की ओपन कोर्ट में समाप्त नहीं कर सकते, आप इन कैमरा करें, साथ ही साथ उन्होंने वो ही दरखास्त इधर भी दे दी, जिसकी वजह से आपको पता होगा कि ये ट्रायल की तारीख 10 तारीख थी, इसको शॉर्ट करके आज के लिए लगाया गया। तो आज इसी पे डिस्कशन हुई, क्योंकि हमें उस दरख्वास्त का पता चल गया था, तो उसके हमने काउंटर में उसका जवाब बनाया हुआ था कि आपको प्रोसीडिंग स्टे करनी पड़ेगी, क्योंकि हाई कोर्ट को फौकियत हासिल है, ठीक है, हाई कोर्ट की कोई भी डिक्टम आप पे बाइंडिंग है, ठीक है। तो उसी के लिहाज, उसी की आर्ग्यूमेंट सुनते हुए जज साहब ने इस मामले को इल्तवा में रख लिया, उन्होंने कहा ठीक है आज हम नकुल नहीं तकसीम करते, वरना प्रोसिक्यूशन का इरादा यही था कि आज नकुल तकसीम हो जाए और फिर 7 दिन बाद की डेट पड़ेगी उसमें चार्ज फ्रेम हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, नकुल तकसीम नहीं हुई, जज साहब ने हाई कोर्ट में ही प्रोसीडिंग को पेंडिंग मद्देनजर रखते हुए इसको इल्तवा में रख लिया। थैंक यू सर। थैंक यू सर।